19 दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, जिसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर साल 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 4 क्रांतिवीरों में से 3 क्रांतिवीर शहीद हुए। ये 3 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भयवश उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिवीरों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं।